नमस्कार। बिहारी लाल चैनल के सभी जो श्रोता हैं उनको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामना के साथ मैं आचार्य विष्णु शर्मा कहना चाहूँगा। प्रमोद नारायण मिश्र जी से 2007 में आज से 15 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। एक पत्रकारिता के इंटरव्यू के समय आप हमसे मिले थे। 15 साल बाद आज फिर मुलाकात हुई है इस चैनल के माध्यम से, और उस समय बहुत सारे प्रश्न आपने किए थे। उस समय मैं विदेश यात्रा पे नहीं गया था, लेकिन आपके उस पत्रकारिता के आधार के बाद 5 बार विदेशों की यात्रा कथावाचक के रूप में मैं कर चुका हूँ। हमारे लिए इस मुजफ्फरपुर के क्षेत्र के लोगों के लिए एक सौभाग्य रहा, मेरे साथ जुड़ा हुआ सबका आशीर्वाद जुड़ा रहा। लगभग इस 25-15 सालों में से पहले आपसे मैं मिला था, लेकिन 25 साल मैंने घर घर मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे आम आवाम में, बहुत सारे जिलों में, बिहार के जिलों में, सुदूर गाँव में, जगह जगह जाकर भागवत कथा की, विदेशों में भागवत कथा की संगीत में अपनी टीम के साथ। और ये प्रेरणा मुझे बाल्यकाल में सुरेश्वरानंद जी महाराज, जो हमारे बहुत दूर के रिश्ते में थे, ट्रिपल एम ए थे, उन्होंने मेरी जन्म पत्री देखकर मेरी माता जी से, पिताजी से कहा कि आपका ये पुत्र एक दिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बहुत नाम करेगा। विष्णु जी, आप कर्मकांडी भी रहे हैं, चर्चित ज्योतिषाचार्य भी रहे हैं, कथावाचक भी रहे हैं, और जागरण और ज्योत में भी आपकी आवाज़ गूंजती रही है, तो एक साथ इतने कार्यों के लिए समय निकालते कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है मिश्रा जी आपने। मैं अनवरत सुबह से रात तक प्रयास करता हूँ एक एक समय को सार्थकता के साथ बदलूं, और पहले से लिस्ट बना के रखता हूँ। नई चीज़ आपने कहा दी, मैं भी नहीं सुना है। म्यूजिकल मैरिज तो चाहेंगे कि थोड़ा प्रकाश डालिए। अब संगीत में लोग बैठते हैं, उस समय में कथा और संगीत को जोड़कर, संगीत में मंत्रों को बोलकर, उसके साथ भजनों का प्रस्तुतिकरण करके, जो नव दंपत्ति है उसकी जीवन की आधारशिला जब रखते हैं, तो उसे समझ में आता है कि मेरा दाम्पत्य सुख का आधार ईश्वरीय वरदान क्या है, ये 7 वचन क्या है, और कैसे अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी बिताते हो, अपने 7 वचन को निभाना है। ये शब्दावली के साथ संगीत में और विदाई के गीत के साथ जब पूरे माहौल को हम संगीत में बनाते हैं, तो लोग तालियों से आशीर्वाद देते हैं, पुरस्कार देते हैं, जगह जगह कहते हैं कि शर्मा जी ऐसे काम को भी आप करवाइए। इसके साथ ही साथ पिछले दिनों आप देखे हैं विभिन्न चैनलों पर, मैं रानी सती दादी का मंगल पाठ करते हुए, श्याम बाबा का अखंड पाठ करते हुए, और लगभग 10,000 से ऊपर तो मैंने जागरण कर दिया है आज से अब तक इस शहर के इर्द गिर्द, पूरे बिहार में चारों तरफ। भागवत कथा भी सैकड़ों की है संगीत में, लेकिन हर नए विषय को पकड़ने का मेरा प्रयास रहता है, सीखने का प्रयास सदैव रहता है। किस क्षेत्र में मैं इतना जो आज बलशाली बना हूँ हर जगह, इसमें मेरा अग्रणी भूमिका मेरी अर्धांगिनी सीमा शर्मा जी की, मेरे सुपुत्र सौरभ शर्मा, गौरव शर्मा की, और हमारी पुत्र वधू दीक्षा कौश, दीक्षा शर्मा जी की, सभी हमारे साथ मिलकर इस क्षेत्र में हमारा पूर्ण सहयोग देते, तब मैं आज इन 5 क्षेत्र में, चाहो 4 क्षेत्र में अग्रगणी बनकर आगे उभर रहा हूँ। और ये माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की कृपा है। ज्योतिष शास्त्र का जब गहन अध्ययन करते हैं हम लोग, तो विशेष रूप से मैं आपको बताऊँ कि आजकल बहुत से पंडित हैं जो शादी के दिन उतार देते हैं। शादी के दिन में देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र के आधार पर मृत्यु बाण, चोर बाण, वैधृति दोष, इस तरह के जो दोष हैं उसे बिना जाने शादी के दिन उतार दिए जाते हैं कि बैंड पार्टी सस्ते मिल जाएगी, पंडित जी सस्ते मिल जाएंगे। एक शादी जो हजारों साल की न्यू बांधी जाती है दाम्पत्य जीवन के आधारशिला को, एक गृह प्रवेश जैसा काम जिसमें चंद्रमा कहाँ है, जातक की राशि से कैसा चंद्रमा है, 4, 8, 12 में चंद्रमा तो नहीं है। इसके अलावा जैसे
गृह प्रवेश जैसा काम हुआ वो भी 100 साल हजारों साल के नियम है। दाम्पत्य जीवन का आधार भी हजारों साल के नियम है, उससे वंश परंपरा चलती है। लोग सुखग्रस्त क्यों देखते हैं? अभी सुखग्रस्त चल रहा है तो अभी शादी विवाह की सहनाइयाँ नहीं बदली, 20 नवंबर के बाद सुखग्रस्त सही होगा तो फिर शादी की सहनाइयाँ बजने लगेगी। विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा इतने बज के इतने मिनट पे उग जाएंगे और इतने बज पे करवा चौथ का अर्घ होगा, तो वो पौराणिक जो हमारा खगोल शास्त्र है उसका प्रमाणिकता का आधार हमें प्राप्त होता है निश्चित रूप से। और आगे की हर घटनाओं का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम लोग पहले से प्रकाशित कर देते हैं। ईश्वर की कृपा है हमारे ऐसे व्यक्ति पर, जो मैं इसे अपने ज्योतिष अनुसंधान केंद्र नवनिधि ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के माध्यम से विभिन्न ज्योतिषों से जुड़ा हूँ भारतवर्ष के लोगों से, और नित्य निरंतर इसमें प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। शर्मा जी, आपने ज्योतिष के बारे में, और सबसे बड़ी बात है जो दिन उतारे जाते हैं किसी शुभ मुहूर्त में उसमें क्या क्या देखना चाहिए, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। अब यह इंटरव्यू बिना आपके एक भजन से पूरा नहीं होता है। हम चाहेंगे कि एक भजन आप चैनल को सुना दें। जिंदगी का आधार ये शरीर पंच तत्व से बना है, और इस पंच तत्व का जो आधार जीवन में है, हमने जो अपने भागवत रूपी ज्ञान का आधार अपने जीवन पे उतारा, ते मानस पटल के भजन सदैव मुझे याद आता है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांधे आया है तू, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। मिट्टी का तू प्राणी है रे, मिट्टी का तू प्राणी है रे, मिट्टी में मिल जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। कंचन सी ये काया तेरी तुरत जलाई जाएगी, जिस नारी से प्रेम घनेरा वह भी देख डर जाएगी, चंद दिनों तक याद रहेगा नर तू भुलाया जाएगा। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। पंडित और पुजारी पंडित, राजा और पुजारी पंडित, सबको एक दिन जाना है। नैन खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है, संत कहे बस हरी भजन ही अंतिम साथ निभाएगा। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। विष्णु जी, आपने अपनी मखमली आवाज के द्वारा जीवन की सत्यता को उजागर करके रख दिया, बहुत अच्छा लगा और दर्शकों को भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जीवन की सत्यता है आपके इस गीत में। आप अति व्यस्त हैं, कई कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आपकी मांग अधिक है, फिर भी आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।